सीएम जयराम ठाकुर बोले लाखों नौकरियां देने का फैसला बड़ा तोहफा। प्रदीप सिंह बोले प्रदेश में सरकार के नुमाइंदे बेच रहे नौकरियां। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार को रोड शो को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हैं। बुधवार को बम निरोधक दस्ते ने पूरे मार्ग पर चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया। दस्ते ने घरों की छतों और वहां पर रखी पानी की टंकियों को भी खंगाला। सड़क किनारे नालियों का भी जायजा लिया गया। पीएम के रोड शो को लेकर धर्मशाला गगल सड़क मार्ग पर केसीसीबी बैंक से लेकर शहीद स्मारक तक सड़क के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाई गई हैं। धर्मशाला नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर गुरुवार सुबह करीब 10 बजे से 10:30 बजे पुलिस मैदान धर्मशाला में उतरेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय विभागों में 10 लाख नौकरियां देने और सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती करने का फैसला युवाओं के लिए बड़ा तोहफा है। इसके लिए देवभूमि हिमाचल की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। सीएम सुंदरनगर में बुधवार सुबह प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी एक वैश्विक समस्या बन गई है। कोरोना के कारण लंबे समय से सेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी। इसके लिए युवाओं की देश सेवा करने की इच्छा फलीभूत नहीं हो रही थी। अब लाखों नौकरियां मिलने का केंद्र का फैसला राहत भरा है। 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए 20,000 से अधिक अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा देंगे। 19 जून को होने वाली इस प्रवेश परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 125 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रवेश परीक्षा से संबंधित एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 19 जून को प्रदेश भर में डीएलएड के लिए प्रवेश परीक्षा लेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 20,381 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए हैं। इस प्रवेश परीक्षा का शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में सरकार के नुमाइंदे नौकरियां बेच रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण पुलिस पेपर लीक मामला है। उन्होंने कहा कि भाजपा युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन इनके राज्य में देश और प्रदेश का बेरोजगार युवा सड़कों पर आ गया है। परिधिगिरी बिलासपुर में पत्रकार वार्ता में प्रतिभा ने कहा कि प्रदेश के हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार कहती है कि पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है, लेकिन सच ये है कि पेपर बेचा गया है। इसमें डीजीपी समेत कई अधिकारी शामिल हैं। अब डाकघर के जरिए स्पीति में पर्यटन कारोबार को पंख लगेंगे। डाक विभाग ने स्पीति के हिक्की में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित डिजिटल डाकघर का शुभारंभ किया है। समुद्र तल से 14,567 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिक्कीम डाकघर अब लेटर बॉक्स के आकार में निर्मित कार्यालय से चलेगा। कार्यालय का उद्घाटन पहले ही दिन सैकड़ों सैलानियों ने हिक्कीम डाकघर से करीब 1,000 पोस्ट कार्ड अपने प्रियजनों को पोस्ट कार्ड भेजने के लिए डाकघर में सैलानियों की लंबी कतार देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी जैविक खाद तैयार करेंगे। इसके बाद इस खाद से स्कूल में लगी क्यारियों में फूल खिलेंगे। साथ ही स्कूल परिसर भी कचरा मुक्त होगा। वहीं बच्चों में स्वच्छता का महत्व और जैविक खाद के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। यहां पर तैयार खाद से स्कूल में फूलों की क्यारियों के लिए जैविक खाद और पेंसिल से निकलने वाले अवशेषों से मशरूम खाद भी तैयार की जाएगी, जिसका प्रशिक्षण शिक्षा विभाग के साथ एक निजी संस्था भी देगी। जानकारी के मुताबिक विद्यार्थियों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए जिला शिक्षा विभाग की नई पहल है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 16 जून से होने वाले 2 दिवसीय दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री दोपहर बाद गगल हवाई अड्डे पर पहुंचे। उन्होंने उपायुक्त कार्यालय के NIC सम्मेलन हॉल में तैयारियों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्रोटोकॉल के अनुसार विभिन्न व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने रोड शो की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रोड शो के दौरान राज्य के विभिन्न सांस्कृतिक दल अपने पारंपरिक परिधानों और संगीत वाद्य यंत्रों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय खलबूट को उच्च विद्यालय और पर्यटन स्थल पराशर को नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत शामिल करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला मंडी के ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल पराशर में आयोजित सराना होली मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने पराशर ऋषि मंदिर परिसर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सराना होली मेला देवास्था पर्यटन मनोरंजन खेल और व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मेला है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मेलों दी परंपराओं के प्रसार और संरक्षण स्वरोजगार कृषि बागवानी और पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। मैसर्स एंड सेक्स सिक्योरिटी सर्विस बद्दी जिला सोलन ने सुरक्षा गार्ड के 100 और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 50 पद अधिसूचित किए हैं। जानकारी जिला रोजगार अधिकारी उना अनिता गौतम ने दी। उन्होंने
बताया कि सुरक्षा गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पद बद्दी और परवाणु में भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि सुरक्षा गार्ड पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास जबकि सिक्योरिटी सुपरवाइजर पदों के लिए 12वीं पास और आयु सीमा 18 से 39 वर्ष निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा गार्ड पद के लिए 16,500 रुपये प्रतिमाह और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए 18,500 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। ऊना विधानसभा क्षेत्र के तहत फ्री गैस कनेक्शन प्रदान करने वाली सरकार की दो योजनाओं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत लगभग 2,859 परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन सुविधा मिली है। इस बारे में जानकारी देते हुए छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों की अवधि में ऊना विधानसभा क्षेत्र के तहत उज्ज्वला योजना की 427 और गृहिणी सुविधा योजना के तहत 2,432 परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आम परिवारों से निकले हुए नेता हैं जिन्होंने गरीब और गरीबी की तमाम मजबूरियों का एहसास है। उन्होंने इसलिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ऐसे प्रयास कर रही है कि आम आदमी को राहत मिल सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पर भारत के साथ।